हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेटल फॉर्मिंग क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है। तो मेटल फॉर्मिंग जो होता है, यहाँ पर फॉर्मिंग से मीनिंग होता है कि किसी भी रॉ मटेरियल को, जब कोई भी मेटल है वो रॉ मटेरियल रहता है पहले, उसे हमें फिर किसी शेप में लाना होता है जो कि हमें फाइनल शेप चाहिए होता है। तो फॉर्मिंग का मतलब होता है टू मेक ए शेप, किसी रॉ मटेरियल को एक शेप में कन्वर्ट करना ही फॉर्मिंग प्रोसेस होती है। तो फॉर्मिंग प्रोसेस में दूसरी अलग अलग प्रोसेस रहती है जो मेनली चार टाइप्स की होती है। मेटल फॉर्मिंग में हमें मेनली जो रॉ मटेरियल रहता है, रॉ मटेरियल को किसी शेप में लाना होता है जो कि हमारा रहता है फाइनल डिजायर्ड शेप या फाइनल डिजायर्ड प्रोडक्ट। और इसमें जो मेन प्रोसेसेस रहती है वह है रोलिंग, दूसरी है फोर्जिंग, तीसरी है, थर्ड टाइप जो है इसमें, यह है एक्सट्रूशन, और फोर्थ जो है वह है ड्रॉइंग। तो ये चार जो है मेन प्रोसेस है जिससे कि हम मेटल फॉर्मिंग या किसी भी रॉ मटेरियल को हम शेप में लेके आते हैं। हमारे पास जब जो मटेरियल रहता है, जैसे मान लो आयरन है हमारे पास, तो आयरन जब फर्नेस से निकलता है तो उसके हमारे पास बिलेट्स होते हैं, ब्लूम्स होते हैं या शीट्स होती हैं। तो इन तीनों चारों चीज़ों से हमें एक शेप बनाना होता है जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट का शेप रहता है। तो इनको हम ये जो ब्लेड ब्लूम शीट्स रहती है, इन पर हम ये चारों प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस या साइमल्टेनियसली एक के बाद दूसरी प्रोसेस को करके और फिर इसे हम एक शेप में कन्वर्ट करा देते हैं। तो कब हमें कौन सी प्रोसेस लेना है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, यह डिपेंड करेगा हमारा मटेरियल पर। सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम जो मटेरियल ले रहे हैं या हमें जिस मटेरियल को यूज करना है, शेप बनाना है जिसका, तो वह मटेरियल कौन सा है, और उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि उस पर हम कौन सी प्रोसेस लगा सकते हैं। उसके बाद मटेरियल के बाद हमें देखना पड़ेगा शेप, कि हमें शेप कैसा बनाना है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि किस प्रोसेस से कौन सा शेप बन सकता है, तो यह चीज भी जरूरी है। फिर थर्ड है वॉल्यूम, यह मटेरियल का वॉल्यूम नहीं है, यह वॉल्यूम है कि हमें कितना प्रोडक्शन कराना है, मतलब कि हमें जो शेप बनाना है उसकी एक दिन में कितनी यूनिट चाहिए, एक घंटे में कितनी यूनिट चाहिए। तो वह वॉल्यूम पर भी डिपेंड करेगा कि हमें स्लो प्रोसेस चाहिए या फास्ट प्रोसेस चाहिए, और भी अलग अलग रहते हैं। और भी अलग क्राइटेरिया रहता है जो कि हम आगे चल करके और अलग दूसरे वीडियोस में देखेंगे। आगे हम इन चारों प्रोसेस को देखेंगे, रोलिंग क्या होता है, फोर्जिंग क्या होता है, एक्सट्रूशन क्या होता है, ड्रॉइंग क्या होता है। तो रोलिंग में जो है हम रोलर्स का यूज करते हैं, दो या चार रोलर्स रहते हैं जिन्हें हम एक के ऊपर एक लगा देते हैं और उनके बीच से जो है किसी शीट को पास कराते हैं, तो उससे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है शीट का वह कम होते जाता है, तो यह रोलिंग ऑपरेशन होता है। ऐसे ही फोर्जिंग आपने सुना होगा, स्मिथ फोर्जिंग आपने देखा भी होगा। आप जो स्मिथ फोर्जिंग रहते हैं, जिन्हें कि हम लोहार बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो उनके पास आपने देखा होगा कि वो एक डाई रहती है, उसके ऊपर जो मटेरियल रहता है उसे फिर हैमर से
ठोकते हैं, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं और उसे शेप में लेकर के आते हैं। तो यह फोर्जिंग प्रोसेस भी ऐसी ही होती है जिसमें हम डाई लेते हैं और उस डाई को फिर उस डाई से दूसरी डाई से उस पर प्रेस करते हैं और उसके बीच में जो मेटल रहता है फिर वह उस डाई का शेप ले लेता है। ऐसे ही जो एक्सट्रूजन प्रोसेस रहती है उसमें सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट रहता है, यह सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट रहता है और यहाँ पर डाई ओपनिंग रहती है। तो ये पिस्टन है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है या वॉल्यूम है, इसमें हम हमारा जो भी मटेरियल रहता है उसे रखते हैं और पीछे से यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते हैं जिसके कारण ये जो ओपनिंग है इसमें से ये वाला जो मटेरियल है ये इस ओपनिंग के शेप को लेते हुए यहाँ से बाहर निकलते जाता है। यहाँ से हम प्रेशर डालते हैं। तो इस तरीके से जो है एक्सट्रूशन प्रोसेस से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो ये जो एक्सट्रूशन प्रोसेस है ये आप देखेंगे, आप सुबह उठकर ब्रश करते हैं तो जब जो टूथपेस्ट रहता है उसे जब आप प्रेस करते हैं तो जो आप जो भी टूथपेस्ट यूज करते होंगे उसे देखते होंगे कि वह राउंड शेप में बाहर निकलता है लाइन के वो जो होल रहता है उसके थ्रू। तो वो जो टूथपेस्ट रहता है वह होल का शेप ले लेता है और वह सिलेंड्रिकल शेप में बाहर निकलता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो भी डाई का शेप रहेगा, अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, लेकिन ये जो पूरा शेप रहेगा जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका शेप यूनिफॉर्म रहेगा, चेंज नहीं कर सकते हम उसे। जो हमारा डाई का शेप है वही शेप आगे तक पूरा रहेगा। इसी प्रकार से जो ड्राइंग ऑपरेशन होता है इसमें डाई डाई रहती हैं और डाई से हम कोई वायर वगैरह जो हमें बनाना रहता है तो वायर उसका हम साइमल्टेनियसली तीन चार डाई को लगाकर थोड़ा थोड़ा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करते जाते हैं। एक तरफ से हम उसे खींचते हैं तो जो डाई रहती है उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कम रखते हैं और उसके कारण फिर उस पर फोर्स अप्लाई होता है और हमें डिजायर्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर मिल जाता है। तो इस तरीके से ये चार प्रोसेस होती है, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूशन और ड्राइंग, इन चारों प्रोसेस को हम देखेंगे अगले वीडियोस में। और अभी नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसमें हम कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग के बारे में समझेंगे कि कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग क्या होती है, जिससे कि हमें आगे इन चारों प्रोसेस में देखना पड़ेगा कि इनको हम कौन सी वर्किंग कराते हैं, कोल्ड या हॉट वर्किंग किससे कराते हैं। तो यह सब चीज़ें हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो एक इंट्रोडक्शन था मेटल फॉर्मिंग का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे सारे वीडियोस एक जगह पर देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.sandeepagarmoltutorial sandeepagarmoltutorial.com को विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।